क्या आप जानते हैं हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि अन्न खाने से सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं बनता बल्कि हमारा मन भी बनता है, हमारे संस्कार भी बनते हैं। हमारी संस्कृति सच में बहुत महान है। आज मैं उसी में से भोजन करते समय अपनाने वाली तीन आदत और उनके कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलुओं को आपको समझाती हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आज हम अधिकतर जगह देखते हैं कि भोजन करने से पहले कई विदेशी स्पीकर थैंक यू बोलने की परंपरा सिखाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे यजुर्वेद के 11वें खंड की 83वें श्लोक में एक विशेष मंत्र बताया गया है जो है ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहनमिवस्य शुष्मिनः प्रदातां तारिष ऊर्जां नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थात हम प्रार्थना करते हैं कि हे अन्न के दाता, हमें पौष्टिक बलवर्धक और तेजवर्धक भोजन प्राप्त हो। हमें अन्न को प्रदान करने वाले अर्थात सभी किसान, बीज के व्यापारी, हमारे माता पिता, सभी हर प्रकार के रोग दुख कष्ट से मुक्त हो। इस पृथ्वी पर जीवित हर दो पांव वाले और चार पांव वाले जीवों को संतुष्टि से श्रेष्ठ भोजन प्राप्त हो। आप ऐसी कृपा करें। अर्थात हमारी प्रार्थना में ग्रैटिट्यूड भी है, संवेदनशीलता भी है, प्रार्थना भी है, सम्मान भी है, सभी जीवों के प्रति दया का भाव भी है। सचमुच हमारी प्रार्थना संपूर्ण है जिसका हमें उपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, खाना खाते समय हमें चम्मच की बजाय हमारी उंगलियों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और हमारे हाथों की उंगलियों में यह पांचों तत्व मौजूद होते हैं, जैसे अंगूठे में अग्नि, तर्जनी में वायु, बदनेवा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी और सबसे छोटी उंगली में जल तत्व का प्रतीक माना गया है। माना जाता है जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो उंगलियों से बनने वाली यह मुद्रा पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व कर हमारे भोजन को अधिक ऊर्जावान बना देती है। प्राण तत्व उस भोजन में अधिक मात्रा में होता है जो हमारे शरीर के लिए अधिक लाभप्रद होता है। इसीलिए मुझे लगता है सभी गर्भवती माताओं को विशेषकर इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज जो हमें सीखनी चाहिए वह है जमीन पर बैठकर भोजन करना। जी हाँ, आप ट्राई करके देख लीजिए नित्य सिर्फ रात का भोजन जमीन पर बैठकर करने का। हमारे शास्त्र इसके लिए साफ साफ बताते हैं कि जमीन पर बैठकर भोजन करने से हम सुखासन में बैठते हैं, जिस पर बैठकर खाना खाने से हमारा मस्तिष्क तनाव दूर होता है, मोटापा, अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसी बीमारियां नहीं होती, मन शांत रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है और ऐसा भोजन जल्दी पच जाता है। आशा है आप इन आसान टिप्स को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संतान को भी इससे ज़रूर लाभ पहुँचाएंगे। आपके अगर इससे जुड़े कोई भी सुझाव या सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।